गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो स्पेशली होगा सीआरए, डीएमआरसी का सीआरए के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो डीएमआरसी के स्ट्रेटजी पूरा डिस्कस किया, पैटर्न डिस्कस किया 2020 डीएमआरसी का, वो स्पेशली टेक्निकल के लिए रहा था। तो सीआरए के काफी कमेंट्स बच्चों के आए थे जिसको हमने कवर नहीं किया था, तो ये सीआरए के लिए स्पेशली मैंने वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। और इसमें एक चीज मैं बता दूं कि इसमें कौन से बुक्स प्रीफर करने हैं, क्या स्ट्रेटजी होता है, कैसे 180 मार्क्स को 100 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और साइको इसके टेस्ट होते हैं उसके वीडियो के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और जिनको भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको सीआरए का देना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो अवेलेबल मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम बात करते हैं सीआरए की स्ट्रेटजी और पैटर्न में किस बुक को प्रीफर करना है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पे पेपर वन और पेपर टू। सीआरए के अंदर दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन और पेपर टू में ध्यान है, पेपर वन और पेपर टू क्या दोनों अलग अलग होता है? नहीं, एक साथ ही हो जाएगा। एक पेपर होगा पहले 90 घंटे का, और फिर तुरंत आपको कहीं गैप नहीं मिलेगा, और 45 मिनट का फिर दूसरा पेपर गैप हो जाएगा, पेपर हो जाएगा इंग्लिश का। चलिए मैं बात करता हूं यहाँ पे पेपर वन का। पेपर वन में रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड जीके जीएस मिलेगा। पेपर वन में जो कि 122 मार्क्स के होते हैं, यानी 40 मार्क्स के रीजनिंग, 40 मार्क्स के एप्टीट्यूड और 40 मार्क्स के आपके जीके जीएस, जिसमें करंट भी कंसिस्ट करता है, करंट भी होंगे, तो टोटल 120 मार्क्स के हो गए ये। नेक्स्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पे 1.5 घंटा टाइम मिलता है आपको, यानी टाइम यहाँ पे 1.5 घंटा 90 मिनट्स मिलते हैं पेपर वन के लिए। पेपर टू की बात करूं तो यहाँ पे इंग्लिश 60 मार्क्स का होता है, और इसके लिए टाइम आपको 45 मिनट का दिया जाता है। यहाँ पे फिर अब मैं बात करूं किसमें ज्यादा वेटेज आपका होता है, किसको आपको अच्छे से तैयार करना है, इन चीजों को देखना है एक बार। तो यहाँ पे देखिए जो पेपर रीजनिंग ये सॉरी टर्म है 120 नंबर का होता है, इसमें जीके जीएस की स्पेशली अगर बात की जाए तो आप प्रिपेयर अगर करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को तैयार अच्छे से कर लें, क्योंकि इसका लिमिटेड सेक्शन है, इसका एक लिमिटेड सेक्शन है जिसको आसानी से तैयार किया जा सकता है कम से कम टाइम में। डीएमआरसी ने आपको ज्यादा टाइम दिया ही नहीं, लास्ट टाइम भी फॉर्म भरने के बाद बहुत कम टाइम इन्होंने दिया था, और इस बार भी फॉर्म भरने के एक महीना भी टाइम नहीं दिया और आपका एग्जाम ले रहा है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर जीके जीएस की जहां तक बात की जाए तो जीके जीएस में आप साइंस वाले पोर्शन को तो आसानी से कवर कर सकते हो, लिमिटेड एरिया है, लेकिन जहां पे हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की बात करते हो उसके अंदर बहुत ज्यादा वाइड रेंज है, तो उसको करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर आपको प्रिपेयर करना बहुत कम टाइम में है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ आप यहाँ पे कंप्यूटर को भी देख सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर से भी देखा जाए क्वेश्चन कई बार 7 नंबर का भी, 8 नंबर, 10-10 नंबर का वेटेज कंप्यूटर भी रखता है, तो कंप्यूटर को कर सकते हो। साथ के साथ करंट अफेयर्स का ध्यान रखना है, करंट को भूलना नहीं है, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है किसी भी एग्जाम में आज के डेट में। इसीलिए करंट के लिए स्पेशली आपको क्या करना है कि किसी भी यूट्यूबर्स यूट्यूब पे जाइए, खासकर किसी भी चैनल को पकड़िए, उसके 6 महीने के लगातार क्वेश्चन को 4 घंटे 3 घंटे के अंदर पढ़ दीजिए। एक दिन में 3 से 4 बार अगर उसको रीडिंग दे देंगे, 6 महीने का करंट अफेयर्स एक दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। आप कोशिश करें, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक दो चैनल बता देता हूँ, स्टडी आईक्यू देख सकते हैं, या वाईफाई के अंदर अवेलेबल है तो आप वहां से देख सकते हो। ये ध्यान रखें आप करंट्स के लिए 4 घंटा देना है एक शिफ्ट में खत्म, फिर दूसरे शिफ्ट में हो सकता है उसी को रिवाइज कर दीजिए एक दिन में 2-3 बार, आपका करंट अफेयर्स का ज्यादातर चीजें आपको पता चल जाएगा। तो ये होगा आपका आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड। नेक्स्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो है ये टाइम आपको 90 मिनट्स में जो होता है ओवरऑल चीजें होती है। नेक्स्ट बात अगर की जाए पेपर टू की, एक चीज और ध्यान रहे बुक्स की अगर बात करते हो तो यहाँ पे मैं बुक्स आपका मैथ्स का पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ, जीके जीएस के लिए किस बुक को प्रेफर करते हो उस चीज को बता दे रहा हूँ, और फिर आप देखिए इंग्लिश के लिए टॉपिक वाइज ये आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बुक को आपको प्रेफर करना है। और यहाँ पे देखें इंग्लिश के लिए अगर बात की जाए तो इंग्लिश में 60 मार्क्स का पूछा जाता है और टाइम 45 मिनट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊं कि क्या इसको 0 नंबर से अगर आप इसको पूरा करते हो, इसको 0 करते हो तो क्या क्वालिफाई हो जाएंगे? जी नहीं, कम से कम 40% आपको यहाँ पे करना पड़ता है पेपर टू में। अगर आप कम से कम 40% से कम करते हो तो कट ऑफ के अंदर आप छट जाते हो कहीं ना कहीं, यानी 40% आपको क्वालिफाई करना है, यानी पेपर करना है। इसका मतलब 60 मार्क्स के जो है इसमें 24 यानी कह सकते हो 24 क्वेश्चन आपको कम से कम राइट करने होंगे। अगर यहाँ पे 24 क्वेश्चन राइट नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो 24 क्वेश्चन तो कम से कम आपको राइट करने हैं। अब वेटेज की बात करते हैं तो क्या इस पे भी उतना ही फोकस करें, इस पे भी इतना ही फोकस करें? जी नहीं, आप इसकी जो वेटेज की बात करो, क्योंकि टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो 180 का हो जाता है, 120 यहाँ और 60 यहाँ, 180 का,
लेकिन आपके एग्जाम में 100 मार्क्स में ही आंसर मिलते हैं, 100 मार्क्स के ही आपके क्वालिफाइंग पेपर बनते हैं कि 100 में कितना आ रहा है, 70 अगर आता है तो वेल नॉट, बहुत बढ़िया आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पे 100 में किस तरीके से तैयार किया जाता है, ध्यान रखें, पेपर वन और पेपर टू, पेपर वन में 120 मार्क्स का वेटेज जो होता है हर क्वेश्चन का 2/3 होता है, कितना होता है 2/3, इसका मतलब है आपका 80 मार्क्स पेपर वन से लिया जाता है, पेपर टू में 60 का 1/3 वेटेज होता है, इसका मतलब है 20 मार्क्स का वेटेज इसमें होता है, यानी दोनों मिला के आपका 100 मार्क्स क्या होता है, दोनों मिला के इसी में आपका मार्क्स मेरिट बनता है। इसका मतलब है कि 2/3, इसके एक क्वेश्चन का वेटेज 2/3 होता है, इसके एक क्वेश्चन का वेटेज 1/3 होता है, इसका मतलब इस वाले पोर्शन पेपर वन का वेटेज बहुत बेहतरीन होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो इसके पोर्शन को ज्यादा ज्यादा करना है। यहाँ पे अगर 40 क्वेश्चन कोई कर रहा है, 50 क्वेश्चन कर रहा है, तो ज्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ अगर कोई 50-40 क्वेश्चन कर रहा है तो वहां पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। ध्यान रहे ये कन्वर्ट कितने में करता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कन्वर्जन का जो तरीका होता है वो यही भी होता है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, साथ के साथ इनका पेपर वन होने के बाद नेक्स्ट पेपर जो आपका होता है वो साइको का होता है। तो साइको का पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आपको यूट्यूब के थ्रू यहाँ पे कराऊंगा। साइको जो होता है ALPCA थोड़ा डिफरेंट होता है DMRC का साइको, तो उसको मैं अच्छे से कराऊंगा आपको यहाँ पे। तो साइको तो हो जाएगा, पहले पेपर वन पेपर टू तो बढ़िया सा हो जाए हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इस वर्क कर सकते हो, स्पेशली फॉर CRA। अगर आपको टेक्निकल वाला देखना है तो टेक्निकल के लिए हमने अलग से पैटर्न और स्ट्रेटजी को पहले डिस्कस कर चुका है, मेंटेनर का भी, तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। तो ये पूरा हमारा एक स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है किस तरीके से करना है, इस वाले पोर्शन पे ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, जिसके बुक के लिस्ट को मैं ऑलरेडी पहले से दिखा रखा हूं और उसको आप देख सकते हो अच्छे से, स्पेशली फॉर CRA कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट के लिए ये सारा चीजें हैं। मैंने कई बार देखा, पहले पोस्टें थी इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू पर, इस बार से पर्सनल इंटरव्यू इसके अंदर है ही नहीं, क्लियर। तो यहाँ पर साइको आपको देना है, तो ये ओवरऑल एक स्ट्रेटजी है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको ये चीज का पता लगे, और लेटेस्ट पैटर्न अगर आपको नहीं पता हो तो उनके डिस्क्रिप्शन में भी, मैं इनके डिस्क्रिप्शन में उन लिंक को भी डाल दूंगा, ताकि नए पैटर्न्स क्या हैं वो भी आपको पता चल जाए। ओके बाइज, आई होप कि आपका एग्जाम बेस्ट जाए, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।